हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरबीर सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीजें जेन्युइन मिलेंगी। आज हम बात करेंगे डीएसएसबी जिस तरह से रिजल्ट देता है, जिस तरह से उसका ढीला रवैया है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हालांकि लास्ट टाइम मैंने डीएसएसबी के बारे में कुछ वर्ड्स बोले थे, जिसके बाद कुछ साथियों ने कमेंट किया था कि डीएसएसबी के पास बहुत सारी वैकेंसीज होती है, उनको हैंडल करना होता है, इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो साथियों, इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगा जिससे आपको लगेगा कि डीएसएसबी कितना ढीले काम कर रहा है, कितना ढीला काम कर रहा है डीएसएसबी। आपको पता होगा डीएसएसबी के पास इतनी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट है, बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल हुए हैं कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकाल रहा है। हालांकि जो पहले से बताया जा रहा है कि पहले से अच्छा काम हो रहा है अब डीएसएसबी में, न्यू मैम आने के बाद काफ़ी बदलाव हुआ है। क्योंकि पहले क्या था, बहुत पुरानी जो वैकेंसीज थी उन पर भी काम नहीं हो रहा था अच्छे से, बहुत बहुत टाइम के बाद वैकेंसीज निकलती थी, बहुत साल बाद क्लियर होती थी। लेकिन अब फिर भी पहले की तुलना बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसके लिए ज़रूर हम लोगों को डीएसएसबी मैम को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं सीबीएसई। तो सीबीएसई ने सीटेट का एग्ज़ाम लिया था, एक महीने के अंदर रिजल्ट तक दे दिया। आप सोच रहे होंगे कि बहुत कम कैंडिडेट्स होंगे सीटेट में, नहीं, सीटेट में लाखों में कैंडिडेट्स थे, लगभग 10 लाख के अराउंड वहां पे कैंडिडेट्स थे जिनका रिजल्ट देना कोई छोटी बात नहीं होती। तो 10 लाख कैंडिडेट्स का रिजल्ट उन्होंने दे दिया एक महीने के अंदर। और जैसा कि आप देख रहे हैं डीएसएसबी ने, मैं बता रहा हूं टोटल कितने कैंडिडेट्स होंगे डीएसएसबी के, जो अब ये टीजीटी पीजीटी पीआरटी एनटीटी स्पेशल वाले जितने भी एग्जाम हुए, कितने कैंडिडेट्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा आप 2-3 लाख मान लो। 2-3 लाख का रिजल्ट निकालने में अभी तक बहुत, एग्जाम की तो अभी कट ऑफ ही नहीं आई, रिजल्ट की तो छोड़ो अभी, तो आप देख लो कितने महीने हो गए, 5-5, 6-6, 7-7 महीने हो गए, लेकिन फिर भी अभी तक फाइनल किसी का सिलेक्शन हुआ नहीं है। जो सीबीएसई था, सीबीएसई ने सीटेट का रिजल्ट इतनी जल्दी दे दिया। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा की। आप चौंक जाएंगे, मैं पहले यही सोचता था कि हरियाणा का भी जो हिसाब किताब है बहुत खराब है, सिस्टम बहुत खराब है, बहुत धीरे काम होता है। लेकिन ग्रुप डी का रिजल्ट, 18,000 सिलेक्ट हुए उसमें, 18,000 वैकेंसीज थी और लाखों फॉर्म भरे गए थे, लेकिन उसका रिजल्ट भी 2-3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे रहे हैं। अब 2-3 महीने के अंदर वो ज्वाइनिंग दे रहे हैं 18,000 कैंडिडेट्स को, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा काम हुआ है हरियाणा के अंदर। और साथियों, हरियाणा के अंदर जो काम हुआ है अब की बार बहुत अच्छा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक गरीब के लड़के को, गरीब बच्चे को नौकरी लगना कितना मुश्किल होता था पहले, आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है, इसके लिए हमें हरियाणा के प्रशासन को दिल से धन्यवाद देना चाहिए। और जो साथी ग्रुप डी में सिलेक्ट हुए हैं सभी को शुभकामनाएं। और इससे पहले पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ था, जो पहले पुलिस की ज्वाइनिंग हुई थी, तो उनमें भी बहुत अच्छा काम हुआ था, तो बहुत अच्छा लग रहा है, कंडीशन सुधर रही है, देश आगे जा रहा है। और मैं किसी ऐसे नहीं कोई पॉलिटिक्स पार्टी से हूँ, लेकिन जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो साथियों, यही चीज़ें हमें देखनी चाहिए, ये कहीं भी हो, कोई भी सरकार हो, ये चीज़ें होनी चाहिए कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिले। और बहुत अच्छा लगा। और हम अभी पॉइंट पे आते हैं, 18,000 लोगों को भर्ती देना, ज्वाइनिंग देना, और वो भी 2-3 महीने के अंदर, आप समझ सकते हैं कितना जल्दी काम किया है। तो साथियों, ये सारी चीज़ें होती है कि काम किस हिसाब से हो रहा है। लेकिन डीएसएसबी आप देख रहे हैं फैब का बोलते बोलते कितना टाइम हो रहा है, तो डीएसएसबी को और बोर्ड से अगर नहीं हो पा रहा है काम, तो उनसे सलाह लें, उनको हैंडल करें काम,
और इसके लिए जल्दी कोई स्टेप भी लिया जाएगा, क्योंकि सरकार को भी सोचना चाहिए कि बच्चों का भविष्य का सवाल है। एक दिन में एग्जाम हो जाता, सारी चीजें क्लियर हो जाती, इन लोगों को क्वेश्चन नहीं मिलते कहीं पे, एनसीईआरटी जो मतलब एनसीईआरटी वगैरह वहां पे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इनको क्वेश्चन मिलेंगे कहां पे, एनआईयूएस से। तो ये सारी चीजें क्या है, कंट्रोवर्सी डीएसएसबी ने पैदा की है और बहुत गलत हिसाब किताब रहा है। तो साथियों आप भी अपने व्यूज जरूर दें, और मुझे हरियाणा का सिस्टम देख के बहुत अच्छा लगा, ये सिस्टम होना चाहिए, ना कोई करप्शन हो, ईमानदारी से काम हो। हालांकि डीएसएसबी ने काम अब की बार अच्छा किया है, मैम ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ थोड़ी जल्दी काम हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि काम थोड़ा जल्दी हो। तो साथियों अपने व्यूज जरूर दें, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।